फैंस के अलावा कुछ भी एक उसका आर्ट फॉर्म है जो भी है स्टैंड अप कॉमेडी है जो भी है उसमें वो बहुत अच्छा है लेकिन अदरवाइज इट्स नथिंग

वो कहीं ना कहीं एक रिश्ता भी भेज कर आए तो हमारे लिए कि अंजलि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है मे बी हमें क्या पता कि अंदर की क्या बात है मुझे भी नहीं पता अफेक्शन थी मनारा के लिए वो भी एकदम सच्ची थी और जो मुझे चिड़ हुई मनारा से वो भी एकदम सच्ची थी क्योंकि मैंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया ये देख के बढ़ाया यार इस लड़की के पास आज की डेट में कोई भी नहीं है एक मुनावर था आयशा के आने के बाद मुनाव्वर भी मनारा से डिस्टेंस हो गया था यू नो उसके पास नहीं जा रहा था बात नहीं कर रहा था तो वो लोग दूर दूर रहने लगे समर्थ को बुरा फील होने लगा क्योंकि समर्थ और मनारा की दोस्ती मेरी और मनारा की दोस्ती दोस्ती भी पहले की थी तो समर स्टार्टेड फीलिंग बैड फिर धीरे से मनारा ने एक, एक एपिसोड में आपने देखा होगा मनारा ने मुझे जिम करते करते मनारा आई और उसने मुझे पीछे से आ गया एंड शी स्टार्टेड क्राइम ऑल तो हमारा ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था कि वो रोए पर वो रोने लगी फिर मैं उसको रूम में लेके गई कि क्या हुआ क्या नहीं तू तो अकेला फील करी और मैंने उसको एक एडवाइस दिया कि तू बोल तू बोलेगी नहीं ना तो तू अंदर ही अंदर दबती जाएगी तेरे को बोलना पड़ेगा प्लीज अप फॉर योर सर उसके बाद एक मुनावर और आ, मनारा की मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें बॉटल की तोड़ा फोड़ी हुई थी मुनावर की तरफ से तो आई थिंक मैं इसलिए थी और चिड़ मुझे मनारा के डबल स्टैंडर्ड्स पे हुई टू बी वेरी फ्रेंक क्योंकि किसी इंसान के लिए आप एक रात पहले इतनी गलत बातें बोल रहे हो कि वो अनडिजर्विंग है वो ये है वो वो है तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सिचुएशन जाने दी है किसी गलत इंसान को कॉल आउट करने में मैंने हमेशा किया जब भी मौका मिला लेकिन वही

पर मुनावर ने आपको कभी भी अटैक नहीं किया जिस तरह आप पूरे घर वाले मुनावर पर अटैक करने लग गए थे तो इसके बारे में तो मैं क्लियर करना चाहूंगी इस बात को तो सबसे पहले कि जरूरी नहीं है कि पब्लिक अटैकिंग ही पूरी अटैकिंग हो मुना ने अभिषेक से अकेले में इतनी बातें की हैं कि यार तू क्यों इसके पीछे लगा रहता है ये तो ऐसी है ये तो वैसी है नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट नहीं किया और मजाक मजाक में बोलते हैं ना मीठी चूरी एक तो मुनावर ने मजाक मजाक में मुझे इतनी बार लेकडाउन फील कराया उस चीज के बारे में कि मेरे साथ अगर कुछ जिंदगी में गलत होगा ना तो मैं सोच लूंगा अरे यार मेरे साथ ईशा जितना गलत नहीं हुआ तो मुझे भी ह्यूमिलेटेड फील होता था पर मैंने कभी उस चीज का यू नो स्ट्रांगली अपोज नहीं किया उस चीज को कि अरे तू क्यों बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं और ना ही वो बात वीकेंड का वार पे उठाई गई क्योंकि आई थिंक उतनी स्ट्रांगली नहीं बोला था आयशा बाईस दिन तक चुप रही उसने कुछ नहीं बोला आपने देखा होगा मैंने आयशा को भी गलत बोला है मैंने आयशा को भी बोला कि यार तू यहाँ क्यों आई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोई क्लैरिटी ही नहीं है क्योंकि मुझे तब तक आयशा का कुछ नहीं पता था कुछ नहीं समझ आ रहा था बट द मोमेंट नॉमिनेशन के बाद बाईस दिनों के बाद आयशा ने अपना मुंह खोला

बेसिकली uh, आशीर्वाद है शब्दों का कि वो कुछ भी मैनिपुलेट कर देते हैं शब्दों से किसी को भी फंसा लेते हैं आयशा के साथ भी हुआ पिछले शो में भी जो उनका रियलिटी शो था उन्होंने ये किया है मनारा के के साथ भी कहीं कहीं ना कही एक लव लव लाइकिंग लाइकिंग फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप चल रहा था बाहर के और तीन रिश्ते लगा गए जिसमें कि आयशा ने घर के अंदर कन्फेस किया कि वो कहीं ना कहीं एक रिश्ता भी भेज कर आए तो हमारे लिए वो भी बहुत शॉकिंग था कि मतलब मुनावर जो एक पर्सनैलिटी कैरी करके आया है शो में इतनी अच्छी वो तो कहीं रही नहीं ये कहा है बाहर उनकी जो लॉकअप की जो कंटेस्टेंट थी उन्होंने कहा कि जो मुनावर है लव गेम के लिए इस तरह का करते हैं तो आप इस तरह के स्टेटमेंट क्या दिख रहे कई सारी उनके रिलेशनशिप है एक सिर्फ आयशा ही आई है एक लड़की है और इस ऐसे कई सारी लड़कियां हैं जो ने ये दिया है, पर आप क्या uh, मुझे पता नहीं है उन्होंने कब दिया स्टेटमेंट बट अगर उन्होंने ये बोला है तो आई थिंक uh, उन्होंने ये विटनेस किया होगा या फेस किया होगा कि अंजलि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है मे बी हमें क्या पता कि अंदर की क्या hmm. बात है मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतना क्लोजली मैं नहीं जानती उनके रिलेशन को बट जितना मुझे पता लगा तो वो यही था कि शो में मुनवर और अंजलि का एक लव एंगल था बट आफ्टर द शो इट गॉट एंडेड मतलब देर वॉज नथिंग तो मुझे यही लगा

कभी भी उस चीज के ऑपोजिशन में नहीं जाना चाहती क्योंकि आपको होता है कि ये मेरा अपना इंसान है बट कहीं ना कहीं मुझे uh, okay, रिश्ते की वो में, respect, आप हमारे जो भी वो मोमेंट्स थे वो दिखाए गए इन विच मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह सोसाइटी में इतना गलत पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे जितना इक्वली कैरेक्टर के मामले में गलत ठहराया गया है उतना फिर मुनावर को भी ठहरा चाहिए क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो भी गोली, बहुत है। नहीं मुझे नहीं लगता है कि मुनावर जेनुअली ट्रॉफी करता है बिकॉज़ उन्होंने पूरा शो सोते सोते निकाला है जेनुनली और अगर आपने एपिसोड देखे मैंने ये बात बोली उनको यार मुनाव्वर मतलब तेरा गेम मुझे जीरो लगता है तो जीरो ही होता मुझे नहीं लगता था फैंस के अलावा कुछ भी एक उसका आर्ट फॉर्म है जो भी है स्टैंड अप कॉमेडी है जो भी है उसमें वो बहुत अच्छा है लेकिन अदरवाइज इट्स नथिंग एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है आप क्या कहना उन्होंने बाहर दामाद मना तो लोग तो है कि अभी मैंने अपनी फैमिली को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताया ही नहीं है जब मैं बताऊंगी वो कन्विंस होंगे बात को एक्नोलेज करेंगे